शॉक थेरेपी या शॉक ट्रीटमेंट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जो मानसिक रोगी होते हैं उन्हें बिजली का झटका दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मानसिक रोगियों को बिजली का झटका क्यों दिया जाता है और ये इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी क्या होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोज आप रोजाना देख सकेंगे। देखिए, ये जो रोगियों को बिजली का झटका देने की ट्रीटमेंट होती है इसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ECT कहा जाता है। इस ट्रीटमेंट को पहले इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी कहा जाता था। देखिए, इसे मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्किजोफ्रेनिया, सीवियर डिप्रेशन, इसी के साथ आत्महत्या की कोशिश करने वाले जो लोग होते हैं, मैनिया यानी कि कुछ लोगों में पागलपन होता है, मूड डिसऑर्डर के लोग होते हैं, तो इन सारे लोगों को ट्रीट करने के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हमारे दिमाग में हमेशा केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और उनके ऊपर ही हमारे सभी क्रिया डिपेंड होती है। हमारे दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। तो इस ट्रीटमेंट में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको एक्टिव किया जाता है, उनमें जो इम्बैलेंस होता है उसको ठीक किया जाता है। यानी ये शॉक थेरेपी हमारे मूड को इफेक्ट करता है। इस ट्रीटमेंट में पेशेंट को पहले इंजेक्शन के द्वारा सुलाया जाता है, बाद में पेशेंट के सिर पर इलेक्ट्रोड्स के द्वारा दिमाग में करंट को पास किया जाता है। और इसमें जो करंट का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग मिलियम्पेयर्स में होता है, जैसे 800 मिलियम्पेयर, 1000 मिलियम्पेयर, 1200 मिलियम्पेयर, यानी कि ये पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ इसमें जो वोल्टेज होता है वो 70 वोल्ट होता है, यानी कि उसको बाद में बढ़ाया जाता है, ये भी पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि 120 वोल्ट, 250 वोल्ट वगैरह हो सकता है। इस थेरेपी में पेशेंट के दिमाग में कुछ वक्त के लिए करंट को पास किया जाता है और ये वक्त कुछ सेकंड का होता है, जैसे कि 0.6 सेकंड का हो सकता है, 0.8 सेकंड का हो सकता है, साथ ही कभी कभार 5-6 सेकंड का भी हो सकता है। ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है और इस ट्रीटमेंट से कई सारे पेशेंट्स ठीक भी होते हैं। इस थेरेपी को पेशेंट के अनुसार कुछ दिनों के बाद रिपीट भी किया जाता है। इस थेरेपी को पहली बार 1938 में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उस वक्त ये थेरेपी बहुत ही डरावनी होती थी क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा करंट का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल ये जो मॉडर्न थेरेपी है ये काफ़ी सेफ माना जाता है क्योंकि अभी तो बहुत ही कम करंट और कम वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई रोगी दवाइयों को रिस्पांस नहीं देता है, दवाइयों से ठीक नहीं होता है। तो आपको पता चला होगा कि मानसिक रोगियों को इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली का झटका क्यों दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।